आईपीएल का 14 मैच राजस्थान और मुंबई के बीच खेला गया। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पहले टॉस जीतकर मुंबई को बैटिंग करने के लिए बुलाया। मुंबई के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करने के लिए आए, लेकिन राजस्थान के बॉलर ट्रेंट बोल्ट ने मुंबई की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। ट्रेंट बोल्ट ने मैच के शुरुआती ओवर में 3 विकेट अपने नाम कर लिए। इसके साथ ही ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद राजस्थान के लिए चहल ने भी इस मैच में शानदार बॉलिंग की। चहल ने 4 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। मुंबई के लिए कोई बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। हार्दिक पांड्या ने 21 गेंदों में 34 रन की पारी खेली। इसके साथ ही तिलक वर्मा ने भी 29 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 32 रन की पारी खेली। तो इन दोनों की पारी के चलते मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 125 रन का टारगेट बनाया। आगे के मैच के बारे में बात करूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। 126 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान की टीम मैदान पे उतरी। राजस्थान के लिए जयसवाल और जोश बटलर ने इस मैच में भी कमाल नहीं किया। राजस्थान के शुरुआती विकेट बहुत जल्दी गिर गए, लेकिन एक बार फिर से रियान प्राग ने इस मैच में राजस्थान की लाज बचाई। रियान प्राग ने इस मैच में आकर टीम को संभाला और रियान प्राग ने इस मैच में 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से 49 गेंदों पे 54 रनों की शानदार पारी खेली। रियान प्राग का 2024 का आईपीएल बहुत ही अच्छा जा रहा है। मुंबई की ओर से आकाश मडवाल ने राजस्थान की टीम को सुरक्षित कुछ झटके दिए। आकाश मडवाल ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट झटके, लेकिन फिर भी राजस्थान की टीम यह मैच 6 विकेट से जीत गई। राजस्थान की टीम के लिए 3 विकेट लेने वाले ट्रेंट बोल्ट को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।